बच्चों नीट की फिजिक्स में अगर आपका टारगेट है 180 आउट ऑफ 180 तो बने रहना हमारे साथ, बिकॉज हम बहुत सारे फिजिक्स के सही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके सामने कराएंगे विद इन अ सेकंड। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम जो कि हर साल पेपर में पूछा जाता है, परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसको निकालने का सबसे सही तरीका आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे नंबर का एवरेज निकाल लेना है। ठीक है, एवरेज कैसे निकालते हैं, इसको 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 सबको जोड़िए, डिवाइडेड बाई कितने नंबर से, टोटल 5 है तो डिवाइड बाई 5 कर दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास में एक नंबर आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करिए, डेल्टा A1 बार निकालिए, डेल्टा A2 बार निकालिए, ऐसे करते करते डेल्टा A5 बार तक आप जाएंगे। ये कैसे निकालेंगे, तो आपका जो नंबर आया है एवरेज माइनस में ये जो पहला डिजिट है वो, फिर ऐसे माइनस में A2, फिर A3, ऐसे करते निकाल लीजिए। फिर वापस आप इसका एवरेज निकालेंगे, उसका एवरेज चलो सपोज हमने कर लिया डेल्टा A बार। ठीक है, तो ये जो डेल्टा A बार आता है उसी डेल्टा A बार को पहले वाले एवरेज से डिवाइड करके इनटू 100% करेंगे ना, तो ये हमारा परसेंटेज एरर बोला जाता है। कमेंट करके बताइए कि इस फॉर्मूले का यूज करके इनमें से क्या आंसर आएगा, ये नीट 2020 का सवाल है। और कमेंट करके बताओ कि सिर्फ डेल्टा A बार यानी कि जो सेकंड टाइम में हम एवरेज लेते हैं उसे कहते क्या है, एब्सोल्यूट एरर या रिलेटिव एरर।